तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या लिखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। बोला है अगर मैं स्क्वायर रूट करूं सारे पॉजिटिव इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ना, आया ना, नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। मतलब कहाँ से, वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। तो बोला आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं सबका स्क्वायर रूट निकालते जाऊँ तो सबके सब इरेशनल होंगे, ये सही है या गलत ये बताओ। अब क्या बोला है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। बोला है कि क्या सबके सब इरेशनल होते हैं अगर स्क्वायर रूट कर दिया जाए, अगर नहीं है, इफ नॉट अगर नहीं हो रहे इरेशनल, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। बोला एग्जाम्पल दे दो जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाले और वो रैशनल नंबर बन जाए। अरे बहुत सारे हैं ना ये, है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, चलो मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो फर्स्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ आंसर में, हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन। स्क्वायर रूट ऑफ वन क्या आएगा, वन है ना, ये तो बस का स्क्वायर रूट होता ही है। स्क्वायर रूट ऑफ टू कुछ नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री कुछ नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या होगा, टू है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में यही बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। बोला सारे पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं रूट में डालूँ सब इरेशनल होंगे, क्या है क्या एक्चुअल में। देखो ये रैशनल नंबर बन गया ना, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो वन होगा, तो जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म, जो रूट के बाहर निकल गया वो रैशनल, जो रूट के अंदर है वो इरेशनल। देखो ये रैशनल है क्योंकि बाहर निकल गया, ये इरेशनल है क्योंकि रूट के अंदर है, ये इरेशनल है क्योंकि रूट के अंदर है, ये रैशनल है क्योंकि रूट के बाहर निकल गया। तो बोला है या नहीं, तो बोलो सीधी बात है कि नहीं होगा, सारे के सारे नहीं हो सकते। बोला इफ नॉट अगर नहीं है तो गिव एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो एक एग्जांपल बोला है, हमारे पास तो बहुत सारे हैं, हम लोग लिख सकते हैं रूट नाइन को भी लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारे। क्या लिखेंगे, नो है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी इरेशनल। ठीक है, सारे के सारे तो नहीं हो सकते, ठीक है ना, और अपने को रैशनल नंबर मतलब एग्जांपल देना है, तो एग्जांपल ऑफ नंबर्स आर कौन कौन से होंगे बोलो, रूट वन हो गया, अंडर रूट फोर हो गया, अंडर रूट नाइन हो गया, जो स्क्वायर है सबको रूट में डाल दो, अंडर रूट 16 हो गया, देखो ये 4 का स्क्वायर है, अंडर रूट 24 हो गया, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना। बस इतना सिंपल ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, शो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यहाँ क्वेश्चन है कि रूट फाइव को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व कैसा किया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम पता होगा तो बस उससे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, ये अभी लिखना नहीं है, मैं बताऊँगा, पहले ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा है, रूट फाइव, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं वन का स्क्वायर तो आप लोग बोलोगे वन, टू का स्क्वायर फोर, पता है ना, ये सही यही बोलोगे ना। थ्री का स्क्वायर क्या बोलोगे बोलो, नाइन बोलोगे। फोर का स्क्वायर क्या बोलोगे बोलो, 16 बोलोगे। ऐसे ही आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो यहाँ लिखा है रूट फाइव, तो बताओ इसमें से कौन सा नंबर वहाँ पे आ रहा है, कौन सा स्क्वायर इसके करीब में आ रहा है, दिख रहा है, कौन सा करीब में आ रहा है, दिख रहा है, ये फोर दिख रहा है, दिख रहा है क्या, है ना। तो
यानी आप लोग को क्या करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये रूट फाइव को ऐसा ले सकते हैं ना, रूट फोर प्लस वन है ना, रूट फोर प्लस वन। तो ऐसे ही मतलब ये रूट फाइव कैसे मिलेगा, अगर मैं फोर प्लस वन करूँ और बाद में उसको रूट में डालूँ तो जाके फाइव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो हम लोग को ऐसी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो अब बताओ ये जो फोर है, ये जो फोर है वो किसका स्क्वायर होता है, टू का, है ना, और प्लस वन किसका स्क्वायर होता है, वन का। मतलब दो स्क्वायर वाले नंबर को मिला के फिर ये रूट बनना चाहिए। तो देखो ये फाइव बनेगा कि नहीं, देखो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर प्लस वन का स्क्वायर होगा वन और ये हो गया फाइव, और यही दोनों को रूट में डाल दो तो हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको उसी हिसाब से ही करना है, यही कि याद रखो, ये स्क्वायर याद रखना, जहाँ पे भी ये नंबर दिखा देखना कि कौन सा उसको स्क्वायर के करीब होता है वो वाला, ठीक है, उसके बाद वन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी सपोज अगर मुझे बोलता कि रूट टेन बताओ, क्या बताओ, रूट टेन को, तो रूट टेन के करीब कौन सा दिख रहा है, देखो नाइन, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अंडर रूट नाइन प्लस वन। मतलब ये क्या होगा, एक तो नाइन बनेगा एक वन बनेगा, और नाइन किसका स्क्वायर है, थ्री का, और वन किसका स्क्वायर है, वन का, है ना। तो इससे क्या करना है ना अपने को, बस ये जो दो मिले ना फाइव का, ये स्क्वायर रूट हटाने के बाद ये फाइव के जो दो नंबर मिले टू और वन, यही हम लोग यहाँ नंबर लाइन में लिखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे आंसर की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, क्या यूज़ करना अपने को, पाइथागोरस थ्योरम, उससे ही सॉल्व होगा। तो लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अपने को पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस हम लोग इसी नंबर को लेंगे, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर ले लेंगे। मतलब मैं फाइव का स्क्वायर, ये जो नंबर है वही लिख लेता हूँ, फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे मिलेगा, अरे फाइव नहीं, क्या चाहिए, रूट फाइव, तो रूट फाइव का स्क्वायर, है ना, और कैसे मिलेगा रूट फाइव का स्क्वायर, तो ये दोनों के स्क्वायर का सम, है ना, मतलब क्या होगा, टू का स्क्वायर और प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइव, है ना, यहाँ पे भी रूट फाइव का होल स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइव, और ये टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन। तो मतलब ये जो दो यूनिट मिले, ये दोनों को मिला के हम लोग बोला ना पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग ये रूट फाइव को मतलब नंबर लाइन पे शो करने वाले हैं। तो ये जो दो मिला ना, दो, ये जो दो नंबर मिले ये हमारे यूनिट होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं है क्वेश्चन में, रूट फाइव सेंटीमीटर में, मीटर में, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो हम लोग इसको यूनिट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यूनिट हम लोग को अब यहाँ पे नंबर लाइन बनाना है, तो मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, मतलब ले लेता हूँ कि वन यूनिट इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ टू सेंटीमीटर। ये मैं क्यों ले रहा हूँ, कि थोड़ा बड़ा बनेगा और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो ये यूनिट्स है, टू यूनिट और वन यूनिट दिखाना अपने को नंबर लाइन में, और वन यूनिट मैंने क्या कंसिडर किया है, टू सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्या 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 चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है, राउंडर चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, ये सब के सब आपके पास होने चाहिए। अच्छा, तो ये मैं सबसे पहले यहाँ पेन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेंसिल ही यूज़ करना है, ठीक है। ये मैं पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको दिखे यहाँ पे नंबर है, ठीक है, पेंसिल से नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले आप लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे, मैं यहाँ नंबर लाइन बना रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम कितना चाहिए, दो, दो, अच्छा ये देखो दो यूनिट, हाँ यहाँ दो यूनिट है, वन यूनिट दिखना चाहिए, टू यूनिट और वन यूनिट। तो मैं यहाँ पे, और वन यूनिट इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे पहले ज़ीरो से लेके टेन सेंटीमीटर तक का ही नंबर ले रहा हूँ। ये स्टार्ट ये ज़ीरो है, ठीक है, और ये हमारा टेन है। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेते हैं, ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। और सब में कितने का गैप रखेंगे, टू टू सेंटीमीटर, देखो हर यूनिट के लिए कितना है, टू सेंटीमीटर। तो ये टू यहाँ पे हो गया, फिर टू के बाद फोर, उसके बाद सिक्स, उसके बाद एट, और उसके बाद टेन।
तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो, ये हो गया वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहिए, एक टू यूनिट चाहिए और एक वन यूनिट। तो टू यूनिट यहाँ से ले लेंगे, ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ठीक है ना। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में मतलब आपको कैसा ट्राइंगल ही दिखेगा यहाँ पे एक, और ट्राइंगल का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहाँ पे रखेंगे हम लोग, पॉइंट टू पे, टू यूनिट बोला है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल लेंगे। चलो 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए। यहाँ से 90 डिग्री दिख रहा आपको, दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला हो गया। अब इसको मिला लेते हैं हम लोग टू से, तो टू से मिल गया ये हमारा, और टू तो मिल गया है, हाँ ना, टू यूनिट तो मिल गया। ये टू यूनिट देखो, यूनिट हाँ, सेंटीमीटर नहीं, मैंने हर ये जो हर यहाँ पे गैप देखोगे ना, टू टू सेंटीमीटर का है। तो यूनिट अगर जो तुमने लिया है उस पर ध्यान देना, अगर थ्री लिया तो थ्री पे करना, लेकिन मेरे हिसाब से दो बहुत होता है तो दो ही करना। तो ये टू हो गया और ये टू हो गया, ठीक है, हो गया, ये दो यूनिट हो गए हमारे। अब क्या चाहिए, वन यूनिट चाहिए। तो वन यूनिट कहाँ से लेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो वन यूनिट इज इक्वल टू कितना है बोलो, वन यूनिट इज इक्वल टू क्या है, टू सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ से टू सेंटीमीटर ये रख के काट दो, या तो ये भी गैप ले लो, देखो टू सेंटीमीटर ही है ना, है ना, इतने से भी यहाँ पे सीधा काट दोगे तो आपका टू सेंटीमीटर मिल जाएगा। चाहिए तो यहाँ स्केल से नाप लो, स्केल से भी यही टू सेंटीमीटर आपको दिखाएगा, देखो यहाँ दिख रहा है पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है आपको, ये जो जो पॉइंट कट रहा है, इस पॉइंट को आपको ज़ीरो पे मिलाना है। ठीक है, क्या करेंगे, इस पॉइंट को कहाँ पे मिलाएंगे, ज़ीरो। ये पॉइंट हो गया हमारा सी, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। देखो ये पूरा कितना है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा है टू यूनिट, और ये कितना है, वन यूनिट, है ना, ये टू यूनिट है, ये वन यूनिट है। तो ये क्या बनेगा, रूट फाइव बनेगा ना। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइड का स्क्वायर और दूसरे साइड का स्क्वायर, है ना। देखो टू का स्क्वायर करेंगे फोर आएगा, वन का स्क्वायर वन करेंगे हो जाएगा फाइव, और रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइव। समझा या नहीं। तो ये बना, लेकिन आपको तो नंबर लाइन पे चाहिए ना, आपको कहाँ चाहिए रूट फाइव, नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन ये है। तो अब नंबर लाइन पे कैसे आएंगे, देखो ये ज़ीरो से और यहाँ ये जो मेजरमेंट है ये रूट फाइव है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से नंबर लाइन पे एक आर्क बनाएंगे और नंबर लाइन पे कट कर देंगे। तो ये जो कट होगा, ये जिस पॉइंट पे कट हुआ है उसे बोलेंगे रूट फाइव, और इसको पॉइंट नंबर दे देंगे डी। ठीक है, ये हो गया हमारा रूट फाइव, ये आ गया हमारा नंबर लाइन पे रूट फाइव। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलोगे सर ये यहाँ पे काट दिया और रूट फाइव कैसे कंसिडर करेंगे इसको। तो मैं आप लोग को एक बात समझाता हूँ, देखो जैसे ये एक हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, जैसे बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा अच्छे से बन जाए, बन गया। देखो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा ना, क्योंकि ये रेडियस है ना। चाहे यहाँ से मैं यहाँ पे भी ले लूँ तो भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो अगर मैं देखूँ तो ये आर की है ना, ये अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट ही कंसिडर करूँ, देखो ये वाला पूरा, ये इतना पार्ट दिख रहा है, इतना पार्ट ही दिख रहा है ना वो। तो अगर ये रेडियस है हमारा रूट फाइव, तो ये भी रेडियस क्या होगा, रूट फाइव। समझाया नहीं। तो इस हिसाब से ये रूट फाइव को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना सिंपल ये आपका क्वेश्चन है। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको, क्या बोला है, शो करो रूट फाइव को कहाँ पे, नंबर लाइन में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर याद रखोगे, स्क्वायर में चेक करोगे कौन से करीब का है इसके स्क्वायर, तो रूट फाइव है, तो फाइव के करीब कौन सा स्क्वायर है, फोर, तो फोर किसका स्क्वायर है, टू का, है ना, और बचा क्या वन, तो वन किसका स्क्वायर होगा, वन का, तो रूट फाइव का होल स्क्वायर हो गया। अब इससे क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे नंबर लाइन पे यूनिट कौन कौन सा हम लोग शो करने वाले हैं। ठीक है, तो टू यूनिट मिल गया और वन यूनिट, यहाँ पे कोई सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया है,
तो आप लोग यूनिट ही लिखेंगे इसको टू यूनिट और इसको वन यूनिट कंसिडर करेंगे। मैंने थोड़ा अच्छा दिखने के लिए वन यूनिट इज इक्वल टू क्या ले लिया, टू सेंटीमीटर। तो नंबर लाइन पे मैंने यहाँ से 0 टू 10 सेंटीमीटर लिया और सब में कितना गैप रखा, 2 सेंटीमीटर का। तो ये 1 यूनिट और ये 2, ये 2 यूनिट यहाँ शो किया, 1 यूनिट यहाँ शो किया, आया ना। फिर ये नंबर को हम लोग ने मिलाया और यहाँ से एक आग कट किया जो रिप्रेजेंट कर रहा है रूट फाइव। समझा या नहीं, कैसे पता चला ये रूट फाइव है? इससे, अगर यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है तो ये भी रेडियस क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। और ये आर्क ही बना रहा है, ये भी दिख रहा आर्क ही बना रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम लोग को, मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है, क्या लिखा है देखो, शो दैट रूट 10 ऑन नंबर लाइन। तो सेम पता अपने को कैसे लिखने वाले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। अब सबसे पहले पता है कि रूट 10 के करीब में कौन सा स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9, दिख रहा ना ये नंबर। तो यानी हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, रूट 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, किसके स्क्वायर के करीब है, 3 का स्क्वायर, और 9 प्लस 1 होगा ना 10, 10 क्या होगा, 9 प्लस 1, तो 9 किसका है, 3 का, और 1 किसका है, 1 का। तो यहाँ दो यूनिट मिल गए, एक तो 3 है और एक 1 है, और हम लोग 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या लेने वाले, बोलो, 2 सेंटीमीटर ये लेने वाले हैं, ठीक है, जिससे वो बड़ा दिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ हम लोग बना लेते हैं एक लाइन, नंबर लाइन हमारा 0 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक चाहिए तो ले ही लेते हैं हम लोग। तो ये 10 है पॉइंट, इसको 0 तक लेके जाएंगे, ठीक है, ये 0 ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ही है, ठीक है, वहाँ तक नहीं जाएंगे। 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं ना, ये 2 यहाँ पे भी कटेगा, 2 के बाद 4, फिर 6, 8 और 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0 पॉइंट, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, देखो सबसे पहले क्या चाहिए, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट हम लोग यहाँ से ले लेते नीचे पे, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अब क्या करना है भाई, पाइथागोरस थ्योरम किस में लगेगा, जब ट्राइंगल कौन सा हो, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 90 डिग्री दिखना चाहिए, तो 90 डिग्री यहाँ पे दिखेगी। तो हम लोग हमारा प्रोटेक्टर ले लेते हैं और 3 पे, पॉइंट 3 पे हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री एंगल लेंगे, सीधा का सीधा, ठीक है। तो ये है हमारा 90 डिग्री। अब इस लाइन को हम लोग मिला लेते हैं, तो मिला लिया गया, देखो मिल गया। अब 3 हो गया, 3 के बाद क्या चाहिए, 1, तो 1 यूनिट चाहिए, तो यहाँ से मेजरमेंट ले लो, या तो आप लोगों को पता है यहाँ से 2 सेंटीमीटर लेके काट दो, दोनों चीज़ कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ से मेजरमेंट लूँ, देखो ये 2 सेंटीमीटर ही होगा, दिख रहा है, एकदम परफेक्ट 2 सेंटीमीटर पे कट रहा है, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इस पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, 0 से मिला देंगे, तो 0 वाला ये पॉइंट है, यहाँ मिल गया, ठीक है, ये है हमारा सी पॉइंट। देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया था, लेकिन मैंने परफेक्ट इसी लाइन पे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हो गया, ये क्या है हमारा पूरा 3 यूनिट है ना, और ये कितना है हमारा 1 यूनिट, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रूट 10 बनेगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम से वही था ना, रूट 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, मेजरमेंट लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और क्या कर देंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और वो जो आर्क बनेगा नंबर लाइन पे कट होगा, उसे बोलेंगे हम लोग रूट 10, ठीक है। वो तो समझाया था मैंने, ये जो आर्क बन रहा है वो कैसे बनेगा, रूट 10। और हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है, तो हम लोग ने देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABCD बना ही दिया था, चलो लिख लेते ना, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, AC का स्क्वायर है ना, ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये जो AC का स्क्वायर, ये जो AC का वैल्यू हम लोग निकाल लेते, देखो AB की वैल्यू कितना निकाल लेते, 3, ठीक है, मेजरमेंट में हम लोग ने ये लिया। अब ये बना तो हम लोग ने कैसे बनाया वो देखा, AB का स्क्वायर कितना, मतलब AB की वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितना लिया है, 1, देखो BC की वैल्यू क्या लिया, 1 यूनिट, यूनिट हाँ,
स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर हुआ नाइन, वन का स्क्वायर हुआ वन, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया टेन, और ए सी की वैल्यू मिल गई, ये स्क्वायर है इधर आके क्या हो गई रूट टेन, देखो ए सी की वैल्यू क्या मिली रूट टेन, ठीक है। तो आप लोग चाहिए तो इसको भी लिख के रखना, जिससे आपका आंसर थोड़ा बड़ा भी दिखे, आपको पूरे मार्क्स मिले, समझा नहीं, तो इसको भी लिखना है आप लोग को, ठीक है, कुछ नहीं है, बस उसी यहीं से हम लोग ने मेजरमेंट उठा के यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है।